इस वीडियो में आप देखेंगे प्रूफ एक फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, जो कि आप यहां पे देख रहे होंगे बोर्ड पे क्या है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ए एन क्या होता है? एनथ टर्म ऑफ ए पी। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहां पे एक टर्म है ए, फिर दूसरा टर्म बी, फिर तीसरा टर्म सी और चौथा टर्म डी। कुल कितने टर्म है? चार टर्म। अगर हम ये बोले कि ए टू की वैल्यू निकालिए तो बी है, ए थ्री की वैल्यू निकालिए तो सी है। ये ए टू क्या था? यानी एक ए एन के फॉर्म में था जिसमें एन की वैल्यू टू थी। ये ए थ्री था, ये किसके फॉर्म में था? ए एन, जिसमें एन की वैल्यू क्या थी? थ्री थी। यानी किसी एक टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से और उस टर्म की वैल्यू कहा जाता है ए एन। ठीक है, अब एस एन क्या होता है? एस एन का मतलब कि अगर ये पूरे ही टर्म को हम एन मान लें, ठीक, तो ऐसे में ये पूरे ही टर्म को अगर हम जोड़ें तो वो एस एन के बराबर आएगा, यानी सम ऑफ एन टर्म। ठीक, अब सम ऑफ एन टर्म ये यहां पे क्या है? सम ऑफ एन माइनस वन, यानी कि अगर पूरे एन टर्म थे तो उससे एक पीछे के टर्म तक को अगर सभी को जोड़े हम तो वो सभी क्या हो जाएंगे? एस एन माइनस वन टर्म में आ जाएंगे। ठीक, अब आप देखिए इस फॉर्मूले का प्रूफ। ए एन को ए एन ही लिखिए, एस एन को हम क्या लिख सकते हैं? अगर पहला टर्म हमारा ए वन है, दूसरा टर्म हमारा ए टू है, तीसरा टर्म हमारा ए थ्री है, फिर यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस डैश 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 डैश, फिर प्लस यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा ए एन। ठीक है, यानी कि पूरा एन टर्म तक के सभी के वैल्यू को अगर हम जोड़ें तो ये आएगा। ठीक, ये आप बेसिक फॉर्म पढ़े होंगे, लेकिन अगर इससे एक पहले टर्म की बात करें तो वो क्या आएगा? वो आएगा ए एन माइनस वन। ठीक, और जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर वही ए एन हो जाएगा। समझ में आना बात? उसके बाद से फिर साइन क्या है? माइनस का। फिर हमने यहां पे लगा दिया एक ब्रैकेट और फिर एस एन माइनस वन। अब मैंने बताया था कि ए एन से पहले तक के सारे ही टर्म एस एन माइनस वन में आएंगे, तो हम ये लिख लेंगे, यानी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डैश 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 डैश, फिर प्लस ए एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा ए वन ए टू फिर ए थ्री फिर डैश डैश डैश, फिर प्लस ए एन माइनस वन, फिर प्लस ए एन। अब ये सबका ही साइन बदल देगा, क्या हो जाएगा? माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री माइनस डैश 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 माइनस ए एन माइनस वन। ठीक, अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है। ए वन से यहां क्या कट गया? ए वन कट गया, ए टू से ए टू कट गया, ए थ्री से ए थ्री कट गया, ए एन माइनस वन से ए एन माइनस वन कट गया। तो फिर बचा क्या? बचा इधर ए एन और इधर क्या हो गया? ए एन। यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है गाइस कि ये फॉर्मूला आपको किस तरीके से प्रूफ करते हैं ये समझ आया होगा। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एपी में बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।